Chandrakanta. महाराज जय सिंह के दरबार में पेश करूंगा। हमारे महाराजा जय सिंह भी बरसों से बेताब है। वीरेंद्र विक्रम की लाश को देखने के लिए और अब मनाई जाएगी इस राजकुमार के मौत का जश्न। अब मैं तुझे जिंदा नहीं करूंगा, जिंदा तू क्या करेगा मेरा सामना। बचेगा तू नहीं देखते। तू क्या करेगा मेरा मुकाबला। अब मैं तुम्हारी लाश को घसीट कर विजयगढ़ के सड़कों से ले जाऊंगा ताकि मैं बदला ले सकूं। इंतकाम तूने मुझे घसीटा था।
आज मैं तुम्हारी मजबूर शरीर को उसी तरह घसी दूंगा। तू न कुंवर को छूने की जरूरत है। हकदार मैं हूँ। तुमने अपनी अयारी का कमाल दिखाकर वीरेंद्र विक्रम की लाश तो ले गए, लेकिन तुम्हें ये अयारी बात महंगी पड़ेगी। तेज सिंह रुकता पवन, 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 ये क्या हो रहा है तुझे? कुंवर को नहीं पहचानना? अरे पवन, पवन, ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। इंसानों से ज्यादा वफादार होता है। इस वक्त कुंवर को नौकर पर लेना कितना जरूरी है। चलता नहीं तू, तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, तू अरे लाना था तुझे, तुझे तेरी खुददारी की सजा मिलेगी, मिलेगी। जय हो महाराज, जश्न मनाएं, खुशियों का चिराग जलाएं, पूरी रियासत में मुनादी करा दें कि आपका ये गुलाम क्रूर सिंह विजयगढ़ रियासत की शान बढ़ाकर आया है, आपके दुश्मन वीरेंद्र विक्रम को मौत की खूनी गोद में सुला कर आया है। हम खजाने के दरवाजे खोल देंगे, हम हीरे जवाहरात से तुम्हें मालामाल कर देंगे क्रूर सिंह। अगर ये खबर सच है तो कहो, एक बार और कहो कि तुम नौगढ़ के युवराज के सीने में तलवार पार करके आए हो। यक महाराज, यक, ये सच है महाराज, शत प्रतिशत सच है। क्रूर सिंह की तलवार चंद्रकांत से मोहब्बत करने वाले दिल के आर पार हो गई है। ये काम हमने खुद किया है, वीरेंद्र विक्रम की जिंदगी का किस्सा तमाम कर दिया है। उसने मेरे सामने दम तोड़ा है, आखिरी सांस छोड़ी है। क्रूर सिंह, ये बात कहकर तुमने हमारे दिल को राहत पहुंचाई। हमारा बेटा गया, हमारा युवराज शक्ति सिंह गया, तो उनका भी बेटा गया, उनका भी युवराज वीरेंद्र विक्रम गया, और हमारे बेटे शक्ति सिंह की मौत का इंतकाम पूरा हुआ। अब क्रूर सिंह, हमारी आंखों को राहत पहुंचाओ, हमारे सामने वीरेंद्र विक्रम की लाश को फौरन लाओ। महाराज, नहीं, आपका ये क्रूर सिंह नाकाम हो गया। मैं शर्मिंदा हूं महाराज, चिनावर का यार तेज सिंह वीरेंद्र विक्रम की लाश को ले जाने में कामयाब रहा।
जंग का ऐलान किया जाए। तुम क्या कर रहे हो? और ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? पिताजी, मुझे माफ मत करना। पिताजी मत माफ करना, मुझे मुझे सजा देना। ऐसी सजा कि सजा के तौर पर अगर आप मेरी जान भी ले लेंगे तो भी मेरा अपराध, मेरा पाप कम नहीं होगा। और ये चादर नहीं है पिताजी, ये कफन है। कफन, और इस कफन में कुंवर सुरेंद्र विक्रम की लाश है। जय सिंह, क्या ना तो बैठे थे, क्या नर्थ हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। अब कोई नहीं बच सकता। ये दोनों रियासतें मेरे तो नाबूद होके रह जाएंगी। अगर अगर भगवान भी स्वयं धरती पर उतर आए तो इस तबाही को ही तुम रोक सकते। मगर ये सब हुआ कैसे? मैं पूछ रहा, तुम्हारे वहां रहते हुए सब हुआ कैसे? और वो खम्मा अजीत सिंह, वो भी किसी काम नहीं आया? अरे कुंवर की जगह तुम जान देते, अजीत सिंह जान देता, मेरा सर फाकट से ऊंचा हो गया होता। लेकिन आज संसार हूं मैं, शर्मिंदगी जी के बोझ तले दबा जा रहा हूं। सात पुश्तों से नमक खाया हमने इसी आसत का, पर ये सिला दिया उसका। किस मुंह से कहूं, किस मुंह से महाराज को यह खबर दूं? युवराज मिल गए, हमारे कुंवर नहीं रहे। जौगर के प्यारे दुलारे कुंवर नहीं रहे। तुम कुंवर की लाश को यहां तक लाए कैसे? क्या नौगढ़ की प्रजा में अब तक बदले की भावना नहीं जागी? पिताजी, इसी डर से मैं इन्हें गौमुखी शरण के रास्ते से लाया हूं, जो पिछले 300 साल से बंद है। प्रजा में किसी को कुछ नहीं मालूम। जीत सिंह के बेटे हो, इस बात का तुमने तो सबूत दिया, मगर वो अजीत सिंह कहां मर गया था? वो अरे वो मेरा बेटा है यार। अजीत सिंह को क्या आपने विजय का भेजा था? ये आप दो बार कह सके पिताजी, लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिला। सर के छुप गया होगा वो बुजुर्ग कहीं। कब तक ना मतलब उसका मेरे सामने शकल नहीं देखना चाहता मैं उसकी।
सिद्धार्थ इस बात को कभी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। इस बात की प्रतिज्ञा है, आप अपने बेटे को रो रहे हैं पिताजी, उस बात के बारे में सोचिए जिसका बेटा यहां महाराज को कौन बताएगा पिताजी, कौन खबर देगा उन्हें? बेटे, दुनिया में दो ही दुश्मन होते हैं, एक तो वो जो सुन करता है और दूसरा वो तो खबर लेके जाता है। फिल्म हो चुका है और ये दुर्भाग्य है कि हम राजमंत्रियों के हिस्से नहीं है। ये खबर मैं दूंगा, उसे देनी है खबर। नौगढ़ की किस्मत का चांद और सितारा हमेशा के लिए बुझ गया और उसके साथ ही हमारी जिंदगी का आपदा। ऐसा खौफनाक ख्वाब दिखाया है आपने, एक बाप के सामने जवान बेटे की लाश पड़ी। इससे बड़ी बदबख्ती किसी बाप की हमारे कुंवर नहीं रह जा बाल। हमारा बेटा चला गया दीवान जी, आपका राजकुमार चला गया। और हम अब भी जिंदा हैं, किस कदर शर्मनाक है ये जिंदगी, इस कदर शर्मनाक है ये जिंदगी। ओ महाराज, आप तो जानते ही हैं इंसान कुदरत के हाथ में खिलौना है, जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में। मार दीजिए हमें तसल्ली दीवान जी, क्या तसल्ली दे सकते हैं आप? क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम एक मां से कैसे कहें कि उसका प्यारा लाडला जवान जहान बेटा अब जिंदा नहीं रहा? बताएं तो कैसे बताएं और छुपाएं तो कैसे छुपाएं?
छुपाते हैं तो ममता का खून होता है, और बताते हैं तो मां का खून होता है। महारानी कल्याणी यह खबर सुनकर जिंदा नहीं रही। इस राजमहल से दो जनाजे निकलेंगे, दो अर्थियां उठेंगे, दो चिताओं को आग दी जाएगी। मैं नाकाम रहा मैं, मेरी जिंदगी मेरे अपने वजूद पे बोझ, मुझे खत्म कर दीजिए महाराज, खत्म कर दीजिए मुझे। ये बिजली हम पर ही नहीं, सारे नौगढ़ पर गिरी है। न नौगढ़ की प्रजा खामोश रहेगी, न हम खामोश रहेंगे। ये बिजली विजयगढ़ को जलाकर खाक कर देगी। जंग का ऐलान किया जाए, तैयार होने का हुक्म दिया जाए।